आपसे चारों प्लेयर खड़े हैं, एक एक करके किल लेके जाएंगे वहाँ पे। SGU वर्सेस जूजी स्पोर्ट्स, ज्योल वहाँ पे ड्रॉप शॉट को नोटिस करते हुए जोकर को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ज्योल एक बढ़िया फाइट एग्जीक्यूट करते हुए स्काईलाइट गेमिंग के प्लेयर्स को डाउन किया जा रहा है। एंड लुक एट दैट, ज्योल अभी भी एक UMP चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक प्लेयर जरूर लूज किया है यहाँ पे ज्यूज की टीम ने, बट तीनों प्लेयर्स आगे बढ़ते हुए 1952 लगातार शॉट बरसा। देखते ही देखते फ्यूचर स्टेशन की टीम को वहां पे एलिमिनेट कर दिया गया है। अब वापस ज्यूज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस समय लुक दैट कमिंग इन वहां पे 1952 की टीम की कोशिश आती है जोन की तरफ, स्लैम इन गया है हाई वोल्टेज के कंपाउंड की तरफ। ज्यूज ने नोटिस किया कि अब उनका राइट की साइड कंप्लीटली टीम्स खाली हो चुकी है। उस व्हीकल के आगे जाने के बाद पूरी तरीके से गॉडलेस ने अपने आप को एक नेट हेवन का यहां पे गॉडलेस को डाउन करेगा। एंड बढ़िया रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है एंड चैलेंज आता हुआ ज्यूज ईस्पोर्ट्स के सामने। हेवन का हाई IQ नेट हमें देखने को मिल रहा है जहां पे गॉडलेस नॉक हो जाएंगे। और जिस हिसाब से आपने बात की वहां पे एक स्लैम गई 1952 के साइड से और उस मोमेंट को गॉडलेस ने सेंस किया और पूरी तरीके से कमिट किया। पर यहां पे एक बहुत अच्छा SLR शॉट आएगा हेवन के ऊपर और यहां पे पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगी स्कारलेट गेमिंग की टीम। एक प्लेयर के लॉस पे अभी भी ज्यूज की टीम के लिए, पर ये कंपाउंड का कंटेस्टेशन अभी भी जारी है। 2v4 की ये फाइट बन के रह गई है और असैसिन लुक एट दैट इज पोजीशन, वहां से बहुत अच्छा नॉक निकाल सकते हैं। पर उसी के पीछे वहां पे F4 भी बैठी हुई है एंड T2 के भी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड कर रही है। इस समय इस डबल स्टोरी के कंटेस्टेशन में हाई वोल्टेज एंड 1952 के प्लेयर्स दिखाई देते हुए DE लगातार 7 सीज को पिन करते हुए दिखाई दे रही है। असैसिन का नेट, लुक एट दैट नेट, एक इंपॉर्टेंट नॉक एंड ऑजी जंप करके खुद को कमिट करते हुए एक्सट्रीम डिफरेंट एंगल से आने की कोशिश करते हुए एंड वहां पे एक बहुत ही बढ़िया फाइट शार्प को एलिमिनेट करते हुए असैसिन दूसरे नेट के साथ एलिमिनेट करते हुए हाई वोल्टेज अपने फोर्ट्रेस को बचा के रखेगी। बट इसी जंप के साथ अब उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, T2 के उनके ऊपर शॉट्स ले पाएगी। लुक एट दैट, उत्सर्ग का ध्यान डिस्ट्रॉय की तरफ, व्हीकल डैमेज के साथ उनको डाउन किया है। लुक एट वे मेमो इज स्मोक करके अभी भी उस नॉर्दर्न साइड ऑफ द रिवर पे सर्वाइव करते हुए गॉडलेस। लेट्स सी व्हाट दिस प्लेयर इज गोइंग टू डू अंडर दिस सिचुएशन नाउ। बिल्कुल, अभी के लिए तो डेट किया था पर यहां पे जो एक गलती की है वहां पे, ऑब्वियसली वहां पे एक टैंक था जिसके ऊपर वहां पे गोली बरसा है और ऑब्वियसली नॉक हो जाएंगे। तो ये छोटी गलती अभी के लिए उनको दूर करनी होगी। ज्योल के द्वारा रिवाइवल मिल जाएगा पर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम था जो कि अभी के लिए वो गवाते नजर आएंगे। डेटाई गाइस के पास कुछ बहुत अच्छा कंपाउंड नहीं है पर एक अच्छा वहां पे दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी किस तरीके का इंपैक्ट वो छोड़ने में सक्सेसफुल रहते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका कोई भी टीममेट इस समय वहां पे बचा नहीं है। बिल्कुल, T2K के पास एक क्रूशियल कंपाउंड यूज फंसी हुई है टुवर्ड्स द सदर पार्ट ऑफ द जोन। DE लगातार प्रेशर क्रिएट करती हुई यूटिलिटी बैटल में जाती हुई है दोनों टीम। देखना पड़ेगा किस तरीके से यहाँ पे सदर्न पार्ट की तरफ से साउथ एंड वेस्टर्न पार्ट की तरफ कौन सी टीम इन दोनों टीम्स में से इमर्ज करके आगे बढ़ेगी। DE के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि यहाँ से आगे उनके लिए बहुत मुश्किल रास्ता है। पर उसी समय यहाँ पे एक नेट जाएगा ऑन टॉप के साइड से ज्यूज के ऊपर, देखना होगा अगर वो नेट को डॉच कर पाएंगे इंपॉर्टेंट रहेगा। पर DE के लिए बहुत मुश्किल ये गेम लग रहा है, अगर ज्यूज यहाँ से रोटेट कर सकती है तो वो गेम उनका हो सकता है डेफिनेटली। एंड लुक एट दैट, हाई वोल्टेज की टीम भी अभी हायर रिजर्स की तरफ उस रोजो के ईस्टर्न साइड के कंपाउंड को होल्ड अप करती हुई स्मोक्स डिप्लॉय किए गए हैं DE द्वारा। अब ये टाइम है जहाँ पे 7 फेज का सर्कल क्लोज इन हो रहा है एंड काफी स्पेस है यहाँ पे ज्यूज के कंपाउंड भी जोन के अंदर है। बट देखना पड़ेगा कि अगले जोन का शिफ्ट कहां जाता है। स्टेलमेट सिचुएशन में यहां पे ये फाइट आ चुकी है वेस्टर्न साइड की तरफ एंड कोई भी टीम ज्यादा से कमिट करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। एक रिप्ले की तरफ बढ़ेंगे, लियो यहां पे शॉट लेते हुए, लुक एट दैट, गैस कैन एक्सप्लोड कर दिया उन्होंने गलती से एंड खुद को वहां पे नॉक किया। बट इसी सब के बीच वुल्वरीन बाहर हो चुके हैं हील बैटल करते हुए। T2K के पास एक क्रूशियल कंपाउंड इनसाइड द जोन, हाई वोल्टेज के ऊपर अब प्रेशर है, उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। उत्सर्ग का ध्यान अभी सिटी की तरफ है एंड अभी के लिए रैंकी का ध्यान पूरी तरीके से हाई वोल्टेज की टीम के ऊपर। प्ले जोन क्लेम करेगा वुल्वरीन को, DE की तरफ से गॉडलेस को लॉक कर दिया गया है। ज्यूज की टीम यहां पे कमिट करती हुई दिखाई दे रही है, स्मोक डिप्लॉय करके प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हुए DE की टीम की तरफ। बट अभी लुक एट दैट, लियो ने गॉडलेस को फिर से खड़ा कर दिया है एंड T2K लगातार पूरी तरीके से उत्सर्ग यहां पे डिप्लॉयड है इस पूरी फाइट के ऊपर शॉट्स लेने के लिए। बिल्कुल, उत्सर्ग यहां पे राइट एंगल होल्ड कर रहे हैं, यहां पे ज्यूज और DE की फाइट छिड़ते हुए नजर आएगी। पर हमने देखा था किस हिसाब से 28 मीटर T2K के प्लेयर्स को अंदर जाना है जोन के अंदर, पर एक बहुत अच्छा रेसिस्टेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है दोनों टीम के बीच में यहां पे ज्यूज और DE। अभी के लिए दोनों ने एक ही प्लेयर लूज किया पर यहां पे स्मोक्स करके सही टाइम पे यहाँ पे ज्यूस आगे जाने की कोशिश कर रही है। DE यहाँ पे पिछड़ सकती है इस मोमेंट पे। ज्यूस ने सेंस कर लिया कि DE की तरफ पुश करने से कोई फायदा नहीं है, जोन का शिफ्ट उनको रिच की तरफ लेके जा रहा है जहाँ पे हाई वोल्टेज की टीम है। स्मोक डिप्लॉय करके अपने आप को पूरी तरीके से कमिट किया है बट अब देखना पड़ेगा किस तरीके का कवर वो बनाएंगे DE के प्लेयर्स के अगेंस्ट। गॉडलेस यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हुए ये नॉक निकाल रहा है इस वन में बहुत जरूर।
जरूरी था गॉडनेस के लिए। उन्होंने एक शानदार बैटल में काफी लो होने के बावजूद नॉक को निकाला है। वॉल्ट करेंगे आगे डी के लिए स्पेस कंबल करते हुए एक पॉइंट निकाल के अपनी टीम के लिए यहां पे उस रिजिस पे सहारा बनते हुए गॉडनेस इंपेकेबल परफॉर्मेंस ज्यूस की तरफ से हमको दिखते हुए तीनों प्लेयर्स अभी भी सर्वाइव करें यहां पे उन रिजिस पे। हाई वोल्टेज यहां पे एक मौका है उनके पास। इसी बीच लुक एट ज्योल, सुयोग को एलिमिनेट किया जाएगा। सुयोग के नेट द्वारा एक बार फिर से गॉडनेस डाउन हो चुके हैं। टी टू के प्लेयर्स अब बाहर आते हुए उस डबल स्टोरी की तरफ से। बट ये रिजिस जिस तरीके से ज्यूस कंट्रोल कर रही है, दे आर द गॉड ऑफ दिस गेम। Amazing game coming in from them. इस टीम को पता है कौन सी टीम को कौन से फाइट को एग्जीक्यूट करना, कौन से फाइट को कब डिसएंगेज करना है। सही मोमेंट पे वहां पे फाइट को चेस किया और जिस हिसाब से यहां पे असैसिन डाउन हो चुका है, ये मुश्किल लग रहा है। एक और नेड आया हाई वोल्टेज के साइड से और T2 के देखते देखते ऐसा लग रहा है बैकफुट पे जा चुके। ब्ला 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 गोज डाउन यहां पे प्ले जोन से। तो एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट T2 के। हाई वोल्टेज के लिए स्पेस कम होती जा रही है लगातार। रिज अभी भी लुक एट दैट वहां पे ऑलरेडी एलिमिनेट करते हुए ब्ला 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 बन जाएंगे जोन का शिकार। गॉडलेस को यहां पे नॉक कर दिया गया इस सिचुएशन के अंदर। सो हाई वोल्टेज के पास एडवांटेज है। टू प्लेयर्स फ्रॉम T2 के स्मोक करके बॉल के एक छोटे कवर में, बट कूनी सेंस कर सकते हैं उन्हें। लेट्स सी शॉट्स आएंगे। यस, कूनी ने नॉक निकाल दिया फ्रेंकी के ऊपर। वो फुटस्टेप वहां पे वो सुन सकते थे, बट ओपनिंग यहां पे किल सेंस करती हुई ज्यूस की टीम। लेट्स सी, ज्योल खुद को कमिट करेंगे बॉल के ऊपर शॉट्स देते हुए। एक्सट्रीम को यहां पे डाउन करने की कोशिश उनकी आती हुई, बट अभी के लिए दो प्लेयर सर्वाइव करते हुए। देखते ही देखते उस तरफ T2 के लिए स्पेस खत्म होती हुई, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। डेफिनेटली यहां पे T2 के बिकम्स थर्ड लास्ट टीम टू गेट एलिमिनेटेड। यहां पे शॉट्स कनेक्ट किया जा रहा है गॉडलेस के द्वारा। एक नॉक निकाला गया एक्सट्रीम के ऊपर। 20 एसपी पे आ चुके हैं। अब खुद के लिए फर्स्ट हिट लगाएंगे, पर जिस हिसाब से जोन श्रिंकेट हो रहा है, 8वां जोन है इसके बाद, बिल्कुल 9वां जोन आ चुका है। इसके बाद वो डेड सेंटर सर्कल लगा जहां पे एक पिन पॉइंट सर्कल बन जाएगा। गॉडलेस आगे जाने की कोशिश कर रहा है, कोनी के ऊपर नॉक निकाल सकते हैं, देखने वाली बात होगी। अभी भी वहां पे ऑजी डाउन है, 1v1 का सिचुएशन बन चुका है। लेफ्ट फ्लैंक आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर गॉडलेस यहां पे डाउन हो चुका है। ज्योल इकलौते पर सर्वाइव कर रहे हैं यहां पे। ऑजी और एक्सेसन दो पिन के ठीक सामने, क्या यहां पे 2v1 एग्जीक्यूट कर सकते, देखने वाली बात रहेगी। पर जिस हिसाब से यहां पे कोनी आगे बढ़ रहा है, दिस इज लुकिंग बैड। एक प्लेयर को और लेकिन What a ज्योल यहाँ पे 1v2 एग्जीक्यूट करते हुए। कॉर्ड ने जरूर गिर गए थे, उनके पास वेस्ट नहीं थी, हेलमेट डैमेज था, पर ज्योल ने जिस तरीके से वहां